हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम ना मतलब 9th वाला एक एप्लीकेशन दिखा देते हैं, वो रेलवे ट्रैक से रिलेटेड। तो फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए हम अभी ना रेलवे ट्रैक पे आए हुए हैं और यहाँ पे पटरी है। तो ये पटरी के पीछे जो बीच में जो स्लीपर्स दिया हुआ है, कंक्रीट स्लीपर है, तो ये क्यों रहता है? तो आपको पता था कि जितना लार्ज एरिया रहता है उतना ही कम प्रेशर। तो ये क्या होता है ना कि प्रेशर को उसका वर्क जितना भी लोड है ट्रेन का वो डिवाइड हो जाता है। अभी ट्रेन आएगा तो आप देख लीजिए कि बाप रे बाप कितना उस पर लोड रहता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम दिखा सकते हैं। और ये साथ में देख रहे होंगे आसपास में यहाँ पे पूरा सारा रॉक है। ये रॉक क्यों डालता है? ताकि यहाँ पे पेड़ पौधा ना जम जाए, है ना। और वो क्या कर सकता है वहाँ पे प्रिवेंशन ना, मतलब रॉक अगर प्लांट वगैरह होगा तो फिर दिक्कत करेगा ना। अभी देखिए ट्रेन वगैरह जा रहा है ट्रेन के रफ्तार से। अब यहाँ पे देखेंगे वाइब्रेशन वगैरह कैसे करता है, पूरा इसका इफेक्ट क्या है। ये देखिए कितना रफ्तार से जा रहा है ट्रेन, देख रहे हैं इसका क्या इफेक्ट है। उससे पहले ही सेंसेशन हो रहा था पटरी पर, इसका इफेक्ट क्या होता है ट्रेन वगैरह। करता है अभी तो पॉइंट डाल करके चेक कर ले होते इसका भार का क्या रहता, बट वो नहीं कर पाए। देखो ये जो ट्रेन का भार देख रहे हैं ना, कितना सारा पैसेंजर कितना सारा बोगी, तो ये भार डिस्ट्रीब्यूट कर, देख रहे हैं ये स्लीपर्स जो है वो डूबने नहीं दे रहा है ट्रेन को, अंदर नहीं जाने दे रहा है, यही हेल्पफुल होता है। नहीं तो क्या करता है, ये स्लीपर्स की वजह से दोनों ट्रैक अंदर धंस सकते थे, ठीक है। तो दिस इज द मेन रोल, ठीक है, ये रोल होता है इसका, ठीक है। ये देख रहे हैं ये ट्रेन का भी आवाज़ इस पर काफ़ी तक सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये हम कोई सुसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, एक्चुअली हम देख रहे हैं ट्रेन का आवाज़। और ये ना बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, ठीक है, ये कन्वर्सन हो गया है। क्या होता है इसका ना, हम बताएं, जो स्लीपर्स वगैरह डालता है तो एरिया बढ़ा देता है। एरिया बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। और ये आसानी से सिंक नहीं कर पाता है, सिंक नहीं करता है। और दूसरा बात, ये भी जो सारे पत्थर वगैरह जो देख रहे हैं, इसका जो मेन रोल होता है वो क्या है, वो क्या करता है, ये पत्थर का जो मेन रोल है, पत्थर का जो मेन रोल हुआ वो वेजिटेशन को डेवलप नहीं होने देता है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, वेजिटेशन डेवलप होगा तो फिर यहाँ पे प्लांट वगैरह के कारण ये पत्थर टूटेगा, वेदरिंग ऑफ रॉक होगा और उसके बाद यहाँ पे प्लांट वगैरह डेवलप हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए रात होने वाला है। मेन मेरा कॉन्सेप्ट था कि ये स्लीपर्स वगैरह क्यों डाला जाता है, ठीक है। तो स्लीपर्स का काम होता है एरिया एक्सटेंड करना। एरिया क्यों एक्सटेंड हुआ, ताकि वर्कलोड जो होता है वो ट्रेन का जितना भी लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ये पटरी सिंक ना कर पाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।